गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू एट दिस प्लेटफॉर्म डायरेक्टेड बाय केसीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोचामन सिटी। तो जैसा कि आप सभी को बताया है कि इंग्लिश की क्लासेस लेकर मैं हमेशा आपके साथ आता हूं, और आज हो चुकी है 13 अगस्त। और आशा करता हूं कि अब तक का जितना भी मैटर आपको पढ़ाया गया है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बनाइए, काम में लीजिए, पढ़िए, बिकॉज देयर इज नो एंड ऑफ स्टडीज, स्टडीज का कभी कोई अंत नहीं होता है। तो 13 अगस्त आज की, और जैसा कि पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंग्लिश के अंदर, वो चल रहा है कंप्लेन लेटर के बारे में। कंप्लेन लेटर के अंदर हमने अपने कुछ दो वीडियोस पहले भी किए थे, जिसके अंदर हमने मिजरेबल कंडीशन ऑफ द क्लासरूम पे चर्चा कर ली है। इसके बाद में हमने चर्चा की थी मिजरेबल कंडीशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग पे हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। इसके बाद हमने तीसरा किया था लाइब्रेरी या लाइब्रेरियन की, लाइब्रेरियन बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी। ये वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आपको हमारे प्रीवियस सेक्शन पे जाना होगा सैटरडे। अब तारीख कौन सी थी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। आज 13 अगस्त हो रही है, शनिवार बुधवार है आज का दिन। तो शनिवार की जो वीडियो है उसके अंदर आप देखें, वो हमारा कंप्लेन लेटर का वीडियो नंबर सेकंड था। वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने केवल आपको हमने इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड के अंदर ये चीजें हमने पढ़ाई थी, और कल का जो हमारा प्रीवियस वीडियो था 12 अगस्त का, जिसके अंदर मैंने आपको कॉलोनी की कंडीशन के लिए बताया था, पब्लिक गार्डन की कंडीशन के लिए बताया था, और एक बताया था सिटी हॉस्पिटल। ये तीन टॉपिक हमने कल की क्लास में किए थे, और अभी हम करने जा रहे हैं सातवां। आज हम बात करेंगे वाइन शॉप के बारे में, वाइन शॉप के साथ साथ लाउड स्पीकर की समस्या, इसके बाद हम करेंगे टीम टीजिंग वगैरह के बारे में, देखते हैं कितनी क्लासेस हो पाती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आई थिंक 3 and 3 6 सेवंथ नंबर होगा हमारा कंप्लेन लेटर, और आज का जो हमारा होगा वो होगा टू कंप्लेन अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मेट क्या है, लाउड स्पीकर्स की समस्या है उसके लिए आपको शिकायत करनी है, और आपकी जो शिकायत है वो ये होगी कि हमारा जो एग्जाम सेशन है उस दौरान, हालांकि अभी तो एग्जाम सब बंद पड़े हैं, एग्जाम सेशन के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, और ये हमारे स्टडी को काफी ज्यादा बाधित करता है, समस्या प्रदान करता है, तो प्लीज इसके लिए आप कुछ ना कुछ कार्य करिए। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या चीजें लिखनी है, फॉर्मेट बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल बीच वाले सेक्शन की चर्चा कर रहे हैं। इसका मैं आपको एक प्रश्न भी दूंगा, तो करना है आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है, टू कंप्लेन अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, क्लियर है। देखिए क्या क्या लाइनें लिखी जा सकती, सबसे पहले आप ये लिखो कि किस कारण से लाउड स्पीकर पर वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है। तो मैंने यहां लिखा देयर आर टू म्यूजिक शॉप्स इन आवर एरिया, हमारे एरिया के अंदर दो संगीत की दुकानें हैं, या कह सकते हो म्यूजिक से जुड़ी हुई दुकानें हैं, और वे लोग दे, क्योंकि दुकानों वाले दो मान लिए हमने, तो दे प्ले सॉन्ग्स ऑन अ लाउड वॉल्यूम ऑल द डे, लिख सकते हो ऑल द डे का मतलब क्या हुआ, पूरे दिन भर वो गाने बजाते रहते हैं। दे कीप देयर शॉप्स ओपन, वो अपनी दुकान को खुला रखते हैं टिल लेट नाइट, टिल का मतलब है तक, और कब तक, लेट नाइट तक खुला रखते हैं। मैंने आगे लिखा व्हेनेवर वी कंप्लेन, जब भी हम शिकायत करते हैं, दे अब्यूजर्स, वे हमें गालियां देते हैं। ये वाक्य हमने लिखा जब भी हम शिकायत करते हैं वो हमें गालियां देते हैं,
ये सबसे पहले हमने मुख्य समस्या लिखी कि सर हमारे एरिया में म्यूजिक की शॉप्स हैं, गाने बजाते रहते हैं, दुकान को लेट नाइट खुला रखते हैं, जब भी शिकायत whenever we complain, जब भी हम शिकायत करते हैं तो अब्यूजर्स वो हमें गालियां देते हैं, they start to fight with us, quarrel with us, वो हमसे लड़ाई झगड़ा करना भी शुरू कर देते हैं। ये आपने लिख दिया। फिर आपने लिखा there is a temple to in the locality, हमारी लोकेलिटी हमारे एरिया में एक मंदिर भी है, it also plays religious songs, भजन्स on a loudspeaker, ये भी क्या करता रहता है, loudspeakers पर भजन बजाता रहता है, इस पर भी भजन वगैरह चलते रहते हैं, भगवान की स्तुति होनी चाहिए, इसमें कोई दूराय वाली बात नहीं है, जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, सभी धर्म का अपना अपना विश्वास होता है, एक मत होता है, और उसके प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास सबके अंदर होना चाहिए। मगर यहाँ पर थोड़ी समस्या ये थी कि हमने लिखा कि एक मंदिर है जहाँ से भजन बजाए जाते हैं दिन भर, अब दिन भर बजाए जा रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि प्लीज उस पर निश्चित समय, ये सुबह और शाम जो स्तुति का समय है उसी समय ये कार्य हो तो ज्यादा बेटर हो। देयर इज अ टेंपल टू इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी में एक मंदिर भी है, ये भी भजन वगैरह बजाता रहता है लाउड स्पीकर, ये भी आपकी समस्या नंबर सेकंड थी, लाउड स्पीकरों की जो समस्या थी वो आपने लिख दी। अब आप क्यों चाहते हो कि ये बंद हो जाए, वो हमने इसके बाद लिखना है। कैसे लिखा, जिस भी व्यक्ति जिस भी अधिकारी को हम शिकायत कर सकते हैं, हमने कर रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं यू नो दैट इट इज द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि मार्च के अंदर अमूमन एग्जाम होते हैं और हमें उसी टाइप को ध्यान में, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एग्जाम का काम करना है कि मार्च का समय चल रहा है, आप जानते हो मार्च का समय है, अवर एग्जाम्स आर एट हैंड की दूरी पर होने का मतलब है बहुत ही वेरी नियर, अवर एग्जाम्स आर वेरी नियर, हमारे एग्जाम बहुत ही पास में है, ऑल दी साउंड्स डिस्टर्ब्स अस, ये सभी जो आवाजें हैं वो हमें क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, वी मे फेल, और हम इसके कारण से क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, इट इज द क्वेश्चन ऑफ आवर फ्यूचर, ये हमारे भविष्य का सवाल है, हमने इसके बारे में कई बार शिकायतें भी की है मगर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, फिर लास्ट पर लेने प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, और जो भी आवश्यक हो कार्य करें, ये चीजें हमने इसके अंदर लिखी हैं। हमारे पास अभी 4, 2, 6 और 5, 11 लाइनें हैं, फिक्स होगी लाइनें, इसमें कोई गांठ छाट की बात नहीं, यही 7-8 लाइनें आपको वहां पर लिखनी है, इसमें से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट बोल देता हूँ, हम ये पहली समस्या है कि हमारे एरिया में 2 म्यूजिक की शॉप है, दुकान पर गाने बजाते रहते हैं, लेट नाइट खुला रखते हैं, शिकायत करते हैं तो गालियां निकालते हैं, एक मंदिर भी एरिया के अंदर, यहाँ पर भी भजन यानी रिलीजियस सॉन्ग्स बजाए जाते हैं लाउड स्पीकर्स पर, और फिर हमने कहा कि ये सब बजता रहता है और आपको पता है कि मार्च का महीना है, एग्जाम बहुत पास में है और ये आवाज हमें काफी डिस्टर्ब करती है और हम फेल हो सकते हैं, ये हमारे भविष्य का सवाल है, इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी नीडफुल एक्शन हो, जो भी एक्शन बनता है तो प्लीज एक्शन लीजिए और इनको बैन करवाइए। ये शिकायत हम कलेक्टर से कर सकते हैं, ये शिकायत हम अपने SHO से कर सकते हैं, ये हम चीफ इंस्पेक्टर यानी CI साहब से भी कर सकते हैं, इस तरह की शिकायतें हमारी होती हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर काम कर लेना, कोई इशू नहीं होना चाहिए फर्दर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पीकर। अगला मैंने लिखा 8 नंबर, इररेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, इररेगुलर को हिंदी में कहेंगे अनियमित डिलीवरी ऑफ लेटर्स। आपके एरिया के अंदर जो पोस्टमैन आता है वो पोस्टमैन लेटर्स को सही तरीके से डिलीवर नहीं करता, आपको देखना है कि सब घूस की समस्या है हमारे, वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा, तो क्या क्या नहीं कर रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी आपको इसमें भी फिक्स 7-8 लाइन है, ज्यादा इसमें मैटर नहीं है लिखने लायक,
क्योंकि कंडीशन पे लिखनी है नहीं कि कंडीशन पे सब ट्यूबलाइट का भी लिख देंगे, सड़क का भी लिख देंगे, छत का भी लिख देंगे, खिड़कियों का लिख देंगे, नहीं। इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स में निश्चित रूप से लेटर डिलीवर करने का काम है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, मीन्स की शिकायत कर रहे हैं विशेष किसी व्यक्ति के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में शिकायत है, तो 7 से 8 वाक्य में लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लाइन नंबर 1 लिखी, द पोस्टमैन ऑफ अवर एरिया इज नॉट गुड। देखिए यही वो कॉमन लाइन है, वहां से मैंने इसको कॉपी किया है। हमारे एरिया, हमारे क्षेत्र का जो पोस्टमैन है, डाकिया है, वो सही नहीं है, अच्छा नहीं है। पहले वही 4 लाइन है यहाँ पर, उसे हम प्रमोट करें। His behavior is also not good. उसका behavior भी अच्छा नहीं है। He does not do his duty on time का हमने थोड़ा सा change कर लिया। He does not deliver the letters properly. वो सही तरीके से, यानी कि सही line में सही तरीके से the letters को deliver नहीं करता है। He comes twice or thrice in a month. वो महीने में केवल 2 से 3 बार ही आता है। लेटर्स जो है कई बार आवश्यक लेटर होते हैं जल्दी पहुंचाने के, मगर दूरस्थ गांवों में कई बार क्या करता है डाकिया, पहले 10 दिन के लेटर इकट्ठे करता है और 10 दिन तक लेटर आया तो फिर जाता है और देकर आता है। अब कोई लेटर अर्जेंट का हो, 2 दिन का ही हो, 3 दिन का हो, तो फिर 10 दिन तक वेट करना उचित नहीं है। तो हमने लिख दिया कि साहब वो 2 से 3 बार ही आता है एक महीने के अंदर। Sometimes, कभी कभी तो he throws letters on the gates. वो गेटों के ऊपर ही लेटर्स को फेंक कर चला जाता है। और जो शिकायत कर रहा है वो खुद, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम शिकायत कर रहे हैं तो हमने कहा आई टू हैव लॉस्ट, मैं खुद भी खो चुका हूं 3 letters एंड पार्सल बिकॉज ऑफ इट, और इसी के कारण से, इसी दिक्कत के कारण से, उसके कारण से, तब लिखेंगे बिकॉज ऑफ हिम, मगर इस समस्या के कारण से मैंने अपने 3 लेटर पार्सल खोए हैं। और यहां पर लिखो तो ठीक है समटाइम, वरना एक जगह और बताता हूं मैं आपको। समटाइम्स वी हैव टू गो टू द हेड पोस्ट ऑफिस टू कलेक्ट अवर लेटर्स। कभी कभी तो हमें अपने लेटर्स वगैरह को लेने के लिए वी हैव टू गो, हमें जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? हेड पोस्ट ऑफिस। किसके? हमारे लेटर वगैरह इकट्ठा करने के लिए। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? तो ये भी एक समस्या है, कई बार हमें यहाँ पर भी जाना पड़ता है हमारे लेटर वगैरह इकट्ठे करने के लिए। द पोस्टमैन does not come on time. जो पोस्टमैन है वो सही समय पर भी नहीं आता है। तो ये समस्याएं कितनी हमने लिख दी? देखिए दोस्तों 8 वाक्य हमने लिख दिए हैं, और मैंने जैसा कि कहा था 7 से 8 वाक्य इसके बारे में बनेंगे। और भी आपके दिमाग में अगर कोई विषय आ रहा है तो आप इसमें लिख सकते हो। दोबारा से फटाफट मैं इसका हिंदी अर्थ बता देता हूँ। पहली लाइन हमने लिखी कि हमारे एरिया का जो पोस्टमैन है वो अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, लेटर्स को सही तरीके से डिलीवर नहीं करता, 2 से 3 बार ही आता है महीने में, लेटर्स को गेटों पर फेंक देता है, और इसी समस्या के कारण से मैंने भी अपना लेटर और पार्सल खोए हैं, और कभी कभी तो हेड पोस्ट ऑफिस भी हमें जाना पड़ता है, ये कभी टाइम पर नहीं आता है। तो इस तरह की दिक्कत आप लिख सकते हो। बिहेवियर आपने लिख ही दिया, लेटर डिलीवर नहीं करता, फेंक देता है, पहुंचाता नहीं है टाइम पर, समस्याएं हो रही है, हमने लेटर खोए हैं, ये समस्या हमने भी थी। तो ये है हमारा इरेगुलर डिलीवरी ऑफ द लेटर्स। स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आराम से इसे कॉपी करिए, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछेंगे। चलिए ये है दोस्तों इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। आशा करता हूँ थोड़ा सा मुझे लगता है स्पीड हो गई है, पर बी पेशेंट, धीरे रखें, धैर्यवान बने, समय को, नजाकत को ध्यान में रखें, काम कर रहे हैं। तो अभी हो चुका हमारा कौन सा हुआ, पहला कौन सा हुआ, पहला कौन सा कि हमने फटाफट आते ही बताइए इससे पहले। ओके आई थिंक यू हैव वॉच एंड यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड लुक व्हाट वाज टॉट जस्ट बिफोर सनराइज। बढ़ते हैं 9th नंबर की तरफ।
नाइन्थ नंबर जो हमारा वीडियो है, सॉरी हमारा जो टॉपिक है, लाउड स्पीकर का हमने लिख लिया। लाउड स्पीकर के बाद में हमने पोस्टमैन वाला लिख लिया और अब हम बढ़ते हैं वाइन शॉप के लिए। तो हमने लिखा टू कंप्लेन, ये हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा टू कंप्लेन अगेंस्ट द वाइन शॉप। आपके एरिया में कुछ वाइन शॉप है, एक है, दो है, जो भी है आप लिखना चाहो, उस हिसाब से काम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इसमें भी साथ आप लाइनें होंगी, वाइन शॉप वालों के खिलाफ शिकायत होगी, जैसे वहां म्यूजिक शॉप वालों के खिलाफ हुई थी। मैंने पहली लाइन लिखी देयर आर टू वाइन शॉप्स इन अवर एरिया। सबसे पहली लाइन लिखी कि हमारे एरिया में दो वाइन शॉप्स हैं। अब जो म्यूजिक शॉप वाली बातें थी वही यहां लिख सकते हो, कैसे लेट नाइट तक खुला रखते हैं, वो गाने बजाते हैं, वो ना लिखे जो कि लाउड स्पीकर नहीं है। मैंने यहां लिखा दे कीप देयर शॉप्स ओपन, वही लाइन जो वहां याद की थी, कहां पर लाउड स्पीकर वाले वो अपनी दुकान को खुला रखते हैं टिल लेट नाइट, कब तक, देर रात तक खुला रखते हैं। Whenever we complain, जब भी हम शिकायत करते हैं, they abuse us, वो हमें गालियां देते हैं, sometimes कभी कभी तो they start to quarrel with us, कभी कभी तो वे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, fight, झगड़ना लड़ना शुरू कर देते हैं। ये तो था वाइन शॉप के खिलाफ, मुख्य रूप से वाइन शॉप है। 8 बजे तक का नियम होता है, 8 बजे ना जो है वो लेट नाइट खुला रखते हैं। Some people, कुछ लोग come here regular to drink, कुछ लोग यहाँ नियमित रूप से ड्रिंक करने आते हैं इस दुकान पर, इन दुकानों पर। और जो लोग रेगुलरली आते हैं वो मुंह लग जाते हैं लोगों की और अक्सर वही उत्पात मचाते हैं। तो मैंने लिखा कि कुछ लोग यहाँ रेगुलरली ड्रिंक करने के लिए आते हैं, they abuse each other, yeah, one another, वे एक दूसरे को गालियां देते हैं, they fight or quarrel with the residents of the colony, वे कॉलोनी के residents, residents का अर्थ होता है निवासियों, वे कॉलोनी के निवासियों के साथ झगड़ा करते हैं, फाइट के बाद दे थ्रो बॉटल्स इनटू द हाउसेस, वो घरों के अंदर बोतलें फेंक देते हैं। चिल्ड्रन लर्न बैड हैबिट्स फ्रॉम देम, यहां पर इसका अर्थ है बच्चे उनसे बुरी आदतें सीखते हैं। सीधे से बात है, प्रेशर एक मनोवैज्ञानिक कह सकती होगी, प्रेशर प्रेशर तो नहीं कहेंगे पर ये कह सकते हैं एक साइकोलॉजी बनती है कि आदत पीता है, हम भी पिए देखें क्या होता है। तो बच्चे जल्दी आदतें सीखते हैं, तो इस तरह की चीजें भी होती है, बोतलें फेंक देते हैं। इन्हीं लोगों की आप देख सकते हो द ड्रंकर्स, शराबी, the drunkards tease the ladies also, जो शराबी हैं वो महिलाओं को tease करते हैं, tease करने का अर्थ है छेड़खानी करना। और अभी अपने देखो 4, 5, 9, 10 ये 10 नहीं है आपके पास है, इसके अलावा भी और कोई आ रही है कि देखो झगड़ा करना लिख दिया, शराब पीना लिख दिया, बोतलें वगैरह, बच्चे बुरी आदतें सीख रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है वो लिख दिया, दुकान की शिकायत कर दी। तो इस तरह की चीजें हमें लिखनी है। और अगर इसके अलावा दिमाग में पॉइंट आ रहा है तो दैट इज आल्सो एप्लीकेबल, वो भी लिखा जा सकता है। तो आई थिंक हमारे पास 9 टॉपिक हो चुके हैं टू कंप्लेन अगेंस्ट द वाइन शॉप तक। आराम से स्क्रीनशॉट लेने का समय आपको दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा 9th नंबर टू कंप्लेन अगेंस्ट द वाइन शॉप। आशा करता हूँ आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक को समझने में, तो जरूर मुझसे बोलिएगा, मैं उसको क्लियर जरूर करूंगा। आई थिंक इतना क्लियर है सब लोगों को, कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। अब वाइन शॉप के अंदर अब आप सोच रहे हो सर 10 के अलावा और कुछ लिखें तो, या जैसे कि लाउड स्पीकर वाला मैंने भी कुछ देर पहले बताया था सर उसमें थोड़ा ऐड करें तो, क्योंकि 8-10 लाइनें सर हमारे अनुसार सही नहीं है और भी आप ऐड करें तो। अब आप देखिए इसमें कुछ लाइनें यहां मैं थोड़ा बॉक्स में लिख देता हूं, मैंने व्यक्ति की शिकायत के लिए 4 लाइनें आपको दी थी, देखना द पुलिस इंचार्ज ऑफ आवर एरिया, द पुलिस कांस्टेबल ऑफ आवर एरिया इज नॉट गुड, वो अच्छे नहीं है, हिज बिहेवियर इज ऑल्सो नॉट गुड, उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं हो सकता, आप गए थे वहां शिकायत करने मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली, ही डज नॉट कम ऑन टाइम, ये 4 लाइनें आप लाउड स्पीकर में भी लिख सकते हो, यही 4 लाइनें आप वाइन शॉप में भी लिख सकते हो कि हमारे एरिया के जो पुलिस इंचार्ज हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ये लीजिए कांस्टेबल वर्ड भी मैंने लिख दिए, आपके एरिया का जो पुलिस कांस्टेबल है वो सही नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करते, आते नहीं है, क्योंकि अगर आते अगर सर्विलियंस रखते अगर ध्यान रखते तो शायद हो सकता है इन लोगों की इतनी हिमाकत नहीं होती, तो हमने उनको भी थोड़ा ब्लेम कर दिया है कि साहब उनके कारण से वो थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे, उसके कारण से ये जो है समाज में कह सकते हो कि बैड एलिमेंट्स असामाजिक तत्व इस तरह के प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज का वीडियो, तैयारी हो गई आज की 13 अगस्त, मिलते हैं 14 अगस्त को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो जरूर मुझसे शेयर करिएगा, किसी प्रकार का और कुछ मैटर समझना हो तो। अब मैं आपको बता दूं कि कल की तारीख यानी कि 14 अगस्त, फिर 15 अगस्त होगी ही होगी और कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त के दिन, वैसे इस बार कोई इंडिपेंडेंस डे का कार्यक्रम नहीं है पर आप अपने घर पर अपने स्तर पर इंडिपेंडेंस का कार्यक्रम मना सकते हो, घर पर झंडा फहराया जा सकता है और उसका ध्वजारोहण अवरोहण दोनों का ही ध्यान रखना है कर किया जा सकता है। कल मिलते हैं, वैसे कल तो 14 तारीख है और कल हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे और 15 अगस्त के दिन नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप लोग स्टे एट होम, बी सेफ एंड आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे वीडियो और आप लोग इसे बहुत ही सीरियसली देख रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे, और कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा, मिलते हैं कल, सी यू सून, हैव ए गुड डे, थैंक यू।